दोस्तों रक्षाबंधन की आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी के लिए खुशियां लेकर आए। लोग इस साल रक्षाबंधन की तारीख और दिन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि राखी 30 अगस्त को बांधी जाएगी तो कुछ लोग 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं कि आखिर रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाएगा या फिर 31 अगस्त को, और साथ ये भी जानेंगे कि इस दिन राखी बांधने के लिए कितने घंटे का मुहूर्त मिलेगा, कब भद्राकाल लगने की वजह से राखी नहीं बांधी आएगी, भद्राकाल की कथा भी हम आपको बताएंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिषियों या पंडितों के मुताबिक रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। दरअसल हो क्या रहा दोस्तों कि रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि इस बार 30 अगस्त को सुबह 10:59 से शुरू हो रही है और इस तारीख का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर हो जाएगा। लेकिन क्यों इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा, तो इसकी जानकारी भी आपको बताते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ सुबह 10:59 पर जैसे ही पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी, आज यानी 30 अगस्त को 10:59 पर सुबह भद्राकाल की शुरुआत हो जाएगी और भद्राकाल का समापन होगा रात को 9:02 पर। जी हाँ दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में भद्रा को बहुत ही अशुभ काल माना गया है और इस काल में कोई भी शुभ काम करने की मनाही होती है, इसलिए 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद से ही राखी बांधी जा सकती है। यानी कि अगर आपको आज 30 अगस्त को राखी बांधनी है तो रात 9:02 के बाद ही आप राखी बांध पाएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है, लेकिन यदि दोपहर के समय में भद्रा काल हो तो फिर प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है, और ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल होने के कारण राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो सुबह के समय नहीं हो पाएगा, इसलिए आज रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। साथ ही आपको बता दें 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा जो है वो सुबह 7:05 तक है, इस समय में भद्रा का साया भी नहीं है, इस वजह से 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक के शुभ मुहूर्त में आप राखी बंधवा सकते हैं, राखी बांध सकते हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जा सकता है। यानी राखी बांधने के लिए कुल 10 घंटे का शुभ मुहूर्त मिलेगा जिसमें राखी बांधना सबसे शुभ माना जा रहा है। यानी 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद राखी बांध सकते हैं, 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले राखी बांध सकते हैं। भद्रा काल में क्यों नहीं बांधी जाती राखी, इसका कारण भी आपको बताते हैं। रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और एक वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि भद्रा शनिदेव की बहन थी और भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ होगा, इसलिए भद्रा काल में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, उनका परिणाम अशुभ हो सकता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का समय जरूर अपडेट मिल गया होगा। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।